हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESIC के पासवर्ड को लेके। आप अपने पोर्टल पर जब भी लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ जो है इस अकॉर्डिंग रेड कलर के जो है नोटिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि द एंटर्ड डिटेल्स आर रॉन्ग, प्लीज एंटर वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो जो भी अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स को यहाँ पर अगर भूल गए हैं तो आपने उसे कैसे जो है आपने से जानना है, तो उसके लिए आपको मेन पेज पर फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन नजर आता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने की फॉरगेट पासवर्ड का जो पेज है वो यहाँ पर आपको इस अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हमें अपना इंश्योरेंस नंबर जो है वो हमें डालना होता है, देन उसके बाद कैप्ची और इसे हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर एक अनदर पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई करवाना होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम डालेंगे अपना नंबर, मोबाइल नंबर, और उसको करेंगे वेरीफाई। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो OTP है वो 10 मिनट तक जो है वो वैलिड रहेगा, और आप इसे 3 टाइम तक जो है आप उसे जो जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब नोट हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो है अपना इसको वेरीफाई कराने से पहले, और इसको फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो है करेंगे वेरीफाई। और वेरीफाई करने के बाद आपकी मोबाइल नंबर पर एक जो है वो OTP जाने के बाद हमें यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड जो है वो रिसेट करना होता है। और पासवर्ड हमेशा ध्यान रखें आपको अल्फा न्यूमेरिक की में जो है वो क्रिएट करने होते हैं, एक लोअर केस, अपर केस, एक नंबर और स्पेशल करेक्टर और जो है यहाँ पर आपको डालने होते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली रिसेट हो चुका है, और आप यहाँ पर अब अपने न्यू पासवर्ड के साथ जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो आप इस अकॉर्डिंग जो है आपके जो क्रेडेंशियल्स अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो अपने आप पासवर्ड को इस अकॉर्डिंग जो रिसेट कर सकते हैं, और रिसेट करने के बाद आप अपने होम पेज पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आप उस जो करेक्ट वाले जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप अपने करेक्ट क्रेडेंशियल्स को जानेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपका जो ESIC का जो इंश्योर्ड पर्सन का जो होम पेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और आप अपने जो भी फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर जो है अवेल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो कैसा लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली बार आपके क्रेडेंशियल्स अगर मैच ना करें तो इस स्टेप्स को आप फॉलो करके अपना पासवर्ड जो है वो रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।